हेलो, वेलकम टू तिवारी लॉजिक चैनल। आइए देखते हैं कि रूट बेस पे क्वेश्चन कैसे होता है। कि रूट के अंदर अगर कुछ दिया हो उस वैल्यू को क्या होता है, रूट के ऊपर ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रूट ओवर एक्स टू डी पावर वाई। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, जब भी किसी पे रूट होता है, अगर ये रूट है एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू डी पावर वन बाई टू। अगर रूट होता है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स टू डी पावर वन बाई टू। अगर ये होता है क्यूब रूट हो तो इसको क्या लिखे, एक्स टू डी पावर वन बाई थ्री। या एक्स टू डी पावर वन बाई फोर हो तो इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट एक्स। इसी बेस पे एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे है एक्स टू डी पावर वाई, तो इसको जब लिखते हैं हम एक्स टू डी पावर वाई को लिखते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स टू डी पावर वाई इन टू वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू डी पावर वाई बाई टू। यानी कि जब ये रूट पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, रूट पे होगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2। यानी यहाँ पे जितना होगा उसको 1/2 करके करते हैं तो क्या हो जाता है, वो रूट का फॉर्म हट जाता है, वो पावर के फॉर्म में आ जाता है। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। एक है 3 to the power 6 है, उस पर रूट लगाते हैं, इसको जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 to the power 6 और ये रूट है तो रूट के लिए क्या कर देंगे 1/2, रूट के लिए क्या कर दीजिएगा 1/2। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 2 3 6, ये हो गया कितना 3 to the power 3। और 3 to the power 3 का मीनिंग आप जानते हैं कितना होता है, 3 into 3 into 3, यानी 3 का पावर 3 होता है तो कितना हो जाएगा 27। ये क्या हो जाएगा आपका 27। इसी बेस पे एक और थोड़ा सा देखते हैं, अगर 2 to the power हम कर देते हैं 2n, इस पर क्या कर दिए ये रूट हो गया, और इस पर क्या कर दिए क्यूब रूट कर दिए, इस पर क्या कर दिए क्यूब रूट। तो यहाँ पे जब इसको सोल्यूशन करेंगे इसका तो कितना होगा 2 to the power 2n, और ये रूट हटा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये रूट हटा तो क्या हो गया 1/2, और यहाँ पे क्या क्यूब रूट है तो क्यूब रूट होगा तो क्या हो जाएगा 1/3। अभी क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि यहाँ पे रूट है तो इसका क्या हो गया 1/2, और यहाँ क्यूब रूट है तो क्या हो गया 1/3। अब इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 2 3 2 जा 6, यानी रहा कितना गया 2 to the power 2, और 2 to the power 2 का वैल्यू क्या आता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ से लगा दिए 5, यहाँ पे क्या लगा दिए 5 रूट। अब जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितना 5 to the power 30, कितना हो गया 5 to the power 30 तो है। अब यहाँ पे कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 1/2, और ये कितना है 1/3, और ये कितना है 1/5। ये 5 to the power 30 हो गया 1/2 रूट का, 1/3 क्यूब रूट का, और 5th रूट का 1/5। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखते हैं 3 5 जा 15 15 2 जा 30, यानी ये सारा से सारा 30 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया कितना 5 to the power 1 = 5। इसका रिजल्ट क्या हो गया 5 to the power 1 कर देंगे, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ जा रही है। नहीं समझ में तो बार बार वीडियो को देखिएगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।